नमस्कार, मैं पंडित सुभाष भारद्वाज, आप देख रहे ACC न्यूज टुडे। आज मैं नाग पंचमी के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। नाग पंचमी का त्यौहार 21 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन सावन सोमवार भी है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है। ये दिन नाग देवता को समर्पित है। नाग पूजा हमारी संस्कृति और परंपरा का एक भाग है। काल सब योग से दोष से मुक्ति पाने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे काम है जो नाग पंचमी पर नहीं करने चाहिए, वरना आने वाली 7 पीढ़ियों तक इसका दोष लगता है। आइए जानते हैं नाग पंचमी का मुहूर्त और सर्पों की पूजा का महत्व और नियम। नाग पंचमी 2023 का पूजा का मुहूर्त सावन शुक्ल पंचमी तिथि जो शुरू होती है 21 अगस्त 2023 प्रातः शुरू हो जाएगी। श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि समाप्त अगले दिन 22 अगस्त 2023 को प्रातः 2 बजे तक रहेगी। भविष्य पुराण के अनुसार सर्प काटने से किसी की मौत हुई हो तो उनकी सदगति नहीं होती, ऐसी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे में नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से सांप के डसने का भय नहीं रहता। साथ ही जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उन्हें मुक्ति मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्पों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया है। इस दिन अनंत वासुकी, तक्षक, कालकोटक और पिंगल नाग की पूजा का विधान है। इनकी पूजा से राहु केतु जनित दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। नाग देवता के समान हिंदू धर्म में सर्पों को देवता माना जाता है। वैसे तो सर्प को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन खासकर नाग पंचमी के दिन सांपों को कष्ट न पहुंचाए। ऐसा करने पर आने वाली 7 जन्मों तक पीढ़ियों को दोष लगता है। पूजा में ये गलती कभी नहीं करें। इस दिन जीवित सांप को दूध न पिलाएं। सांप के लिए दूध जहर के समान हो सकता है, इसलिए सर्प उनकी प्रतिमा पर ही दूध अर्पित करें। क्या है नाग पंचमी का महत्व, ये मैं आपको बतलाता हूँ। सांपों से अपनी और परिवार की रक्षा के लिए नाग पंचमी का व्रत रखा जाता है और नागों की पूजा की जाती है। यदि किसी की कुंडली में काल सर्प योग दोष हो तो नाग पंचमी की पूजा और व्रत करने से इस दोष से आराम मिलता है। उज्जैन का नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। इस दिन यहाँ पूजा करने से काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है। नाग पंचमी की पूजा कैसे करनी चाहिए यह मैं आपको बतलाता हूँ। नाग पंचमी पूजन के लिए घर के दरवाजे के दोनों तरफ नाग की आकृति बनाकर घी, दूध और जल से तर्पण करें। इसके साथ ही दीप, धूप, माला, फूल आदि से विधिवत पूजा करें। इसके बाद गेहूँ, दूध, धान के लावा आदि का भोग लगाएं। नाग पंचमी पूजन में कुलों तक सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के उपाय, इस दिन नाग देवता को दूध पिलाएं। नाग पंचमी के दिन हल्दी, रोली, चंदन से नाग देवता की पूजा करें और आरती उतारें। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन नाग नागिन के जोड़े को बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस दिन ब्राह्मण को नाग नागिन के चांदी के जोड़े दान करने से धन दान में वृद्धि होती है और सांप काटने का दोष भी दूर हो जाता है। इस दिन व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए। नाग देवता पूजन करते हुए नाग पंचमी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन रुद्राभिषेक करने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, चीनी चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि जल पीतल या तांबे के लोटे से ही अर्पित करें। नमस्कार, मैं हूँ पंडित सुभाष भारद्वाज, आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे।